तो यार आ चुके एक वीडियो के साथ वापस। और इन दो बंदों को देखते हुए हम ऐसे ही हिम्मत हारे कि भाई उतरते भले गन पे उतरे थे लेकिन नीचे कूद गया मैं डर के मारे कि भाई वो पेल ना दे हमको, क्योंकि वो पहले उतर गया था। हम दोनों वैसे ऑलमोस्ट हम दोनों के आसपास गन थी लेकिन नीचे उतर गया हम। नीचे जाने का भी फायदा होता वैसे, क्योंकि नीचे उतरते भी गन मिली गई थी हमको और VSS से भी भरी दिया था। अब और जो मर्जी बोले, लेकिन इसकी किल फीड अलग ही दिखती है, पूरी अलग ही दिखती है। देखो एकदम लाल लाल एकदम, मतलब कोई किल फीड है ही नहीं यार इसके जैसे। हालांकि ये गन आई तब जब, मतलब अब खुद देखो ना यार इतना बफ कर दिया इस वाली गन को, अब मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा यार, कोई ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता, इतना स्लो फायर रेट और 150 रीलोड होता है यार इसका, मतलब क्या मतलब है 150 रीलोड का। बहुत ही अच्छी थी भाई। अभी नीचे भी है और बस अब तो शॉटगन वॉटगन की स्किन बची है, वरना तो बाकी तो सबकी स्किन आ ही चुकी है गाइस, अब भर ही चुका है सबका मन भी स्किन से। अब फिलहाल जो है पीछे किल तो इसी को मिल गया, पर किल फीड में नाम तुम्हारे भाई का ही आ रहा है बार बार सामने, एक नॉक डाला है इसने, नेट खींचा टीममेट ने और मैं भी नेट खींचता हूँ। वैसे जीगुरु जी को तो यार बहुत सारे लोग जानते हैं जो मेरे साथ, मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, मतलब अगर आप बिल्कुल ही नए सब्सक्राइबर हो, अगर आपने कल ही सब्सक्राइब किया और मतलब कल ही अगर आपने बटन दबाया तब भले ही आपको पता हो ना हो, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर को तो बहुत अच्छे से पता है। वैसे आप आज एक चीज़ मेरे को बताओ, आपने जो है मेरे को फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कब किया था मेरे को बताना गाइज, और कमेंट सेक्शन में लिखना है ठीक है, अपना अपना जो भी टेस्टिमोनियल टाइप का कुछ भी होता है, टेस्टिमोनियल तो नहीं लेकिन मतलब ऐसे लिख देना यार कि हाँ मैंने तुम्हें उस समय सब्सक्राइब किया था वगैरह वगैरह। और जी गुरु जी को आप लोग जानते हो कि नहीं ये भी बताना मेरे को, आई मीन अभी ये फार ऑफ है लेकिन पहले जी गुरु जी हुआ करता था आपको पता ही होगा। फिलहाल यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हील वील कर लेते हैं और मैंने लूट भी लूट ली, देन जो है सामने से फायर आ रहा था। अब ये देखो भाई साहब रशिया की फाइटर जेट्स गुजर रहे थे ऊपर से, एकदम बम ही बम बरसा रहे थे गाइस। फिलहाल तो कैसे तैसे करके बच के हम आगे जाते, मुझे तो बहुत क्लोज फटा था भाई एक बम। खैर अच्छा कुछ लोग बोलते यार किल क्यों नहीं ज़्यादा होते, तो गाइस किल के लिए नहीं खेलते हैं, ऐसे बोल मैं ऐसे ही रहा हूँ, खेलते तो किल्स के लिए ही हैं, लेकिन गाइस होता क्या है कि किसी दिन दिन नहीं होता और कई कई बार तो पूरे हफ्ते दिन नहीं होता, अभी फ़िलहाल हमारा वही हफ्ता चल रहा है वरना तो पीछे वाला बंदा बॉट पता नहीं क्यों बीच में आ गया, वरना ये सामने वाले को भी मैं ही मारता पता, वन एच पी कर दिया था उसको। यार यहाँ पे तीन इनके अंदर नॉक हो गए थे, मैं तो देखा भी नहीं इतना, एक मैंने पहले नॉक कर दिया था, एक फारूफ ने और एक उसने बाद में भी नॉक किया था, ये देखो पड़े हुए बेचारे। अब आखिरी और बेचारा वो भी मारा जाता है और कुल मिला के मैं यहाँ पे बच गया। तो किल के लिए मोस्टली गाइस नहीं खेलते हैं कि स्टार्टिंग में ये सोच के आए कि इतने किल करने वरना तो भैया रिकॉर्ड ही नहीं करना, वैसा नहीं होता मोस्टली, हम रहते हैं कि देखो उतरते ही बस मारना है। और अगर आप मेरे को बहुत पहले से जानते तो आपको भी पता होगा सिर्फ मैं मारने के लिए खेलता हूँ, बस उतरो और फाइट करो बस। तो ये वाला गेम है मेरा गाइस कि बस सिर्फ मारना है ना, मेरा चिकन डिनर के लिए कभी भी होता अगर मेरे को लगे कि चिकन डिनर लेना चाहिए तो मैं वो भी नहीं लेता हूँ मोस्टली, चिकन डिनर के लिए खेलता ही नहीं हूँ, सिर्फ एक चीज़ के लिए खेलता हूँ कि भाई बंदे जब तक जिंदा है तब तक रश करते रहो। और ये आप मेरे को जानते होंगे, अगर आप मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो। खैर अब यहाँ पे इसको तो मार दिया, मारने के बाद जो है अब बारी थी यहाँ से निकलने की भी, लेकिन यहाँ पे ना पीछे की तरफ टीमें बच रही थी और हम जब चेक करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई था नहीं, तो हमने गाड़ी उठाई और सीधा निकल ली यहाँ पे आते हैं। और ये बाइक वाला दिखता है, मैंने फारूक को बोला कि इसको मारो नहीं, जब ये टीममेट को रैप करवाएगा अपने ज़िंदा करवाएगा तब मारेंगे सबको एक साथ, लेकिन फारूक कहाँ रुकने वाला था। तो हमने बोला लाओ किल हम ही ले लेते हैं और हमने किल के लिए M4 जो होती है ना गाइस 6x M4 रेड डॉट पूरा एकदम टैप टैप करके सब कुछ ले लिया। खैर यहाँ पे ना सबसे पहले तो हमने लूट वूट यहाँ पे कंप्लीट करी अपनी, और अच्छे से लूट कंप्लीट करने के बाद हम पोचिंग की आते हैं। पोचिंग के आने के बाद जो है बंदे दिखते हैं हमको, कुछ मिलते हैं यहाँ पे। देखो मेरे को पीछे बंदा दिखा था, आपने देखा फारूक को आगे की तरफ बंदे दिखे, मैं पीछे दिखा था तो पीछे वाले को मारूंगा गाइस।
और उधर फारूक फाइट लेने लग गया। अब मैं यहाँ पे चाह के उसको नहीं बचा पाया और अब मुझे उसको रैप करवाना था। मेरे को पीछे बंदा दिखा था तो मैंने सोचा लाओ उसको फिनिश कर देते, अब बचाना था इसको, जिंदा करना था। अब देखना गाइस क्या होता मेरे साथ। मैं यहाँ पे गाड़ी को छोड़ के जाता हूँ बिकॉज गाड़ी जो है टारगेट पे आ चुकी थी। मैं चुप चुप के जा रहा था, पीछे से टीम आती है, उन्होंने मुझे देख लिया। मैं और आगे जाता हूँ, फिर इस बिल्डिंग में भी टीम थी, सड़क के पार भी टीम थी, जहाँ पे रैव करवाने जाना था वहाँ पे भी टीम थी। क्या करता गाइस मैं बैठा बग्गी में, मैंने बोला ले लेंगे फाइट। जैसे बग्गी में बैठा ये होता है मेरे साथ, क्या था ये बंदा मेरे को कब से ट्रैक करे बैठा था यार, लिटरली बहुत बुरा हुआ। खैर वहाँ से आते हम अगेन पूछिंग के उतरते हैं। अच्छा इस बार कोई उतरा नहीं, हमने क्या किया अपनी अपनी गन छुटाई, सीधा लैम्बो में बैठे और अपार्टमेंट पुश कर देते हैं। और लैम्बो भाई क्यों भागते, लिटरली 165, 168, 170 के करीबन भी जाते देखा पता मैंने इसको। मैंने लिटरली जब ये कुकूप होती थी तो मैंने इसको 150 के आसपास। फिलहाल यहाँ पे दंगे हो गए गाइस। अभी जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ पे जो है जिस साइड मैं उतरा उस तरफ तो एक बंदा था जो भाग जाता है, लेकिन फारूक की साइड वाला बंदा उसको पेल देता है। और यहाँ पे घास फूस भी बहुत आता हो, इतना दिखता विकता भी नहीं गाइस। और थोड़ी विजुअलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे इस वाली जगह पे, खासकर ये घास हटा ही जानी चाहिए पता है यहाँ से। और फाइनली इस आखिरी बंदे को इनके मारा, मारने के बाद जो है फारूक को रैव करवा देता। लास्ट टाइम तो मैं रैव करवाने में सक्सेसफुल रहा नहीं था, लेकिन इस बार मैं ज़रूर करवाऊंगा रैव कुछ भी करके। मैं देखो टीम है वहाँ पे, उनको छोड़ के भागा। आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि करवा पाऊंगा कि नहीं। वैसे कल गुजरात का मैच देखा गाइस, राहुल तेवतिया ने लास्ट 2 घंटे पे 2 छक्के मार के गुजरात को जितना दिया। वैसे आप गुजरात के फैन हैं तो बताने मेरे को कमेंट सेक्शन में, मतलब गुजरात यार लिटरली क्या खेल रही है इस सीजन। एंड अगर आप ये प्रेडिक्शन गाइस 1xbet पे करते हैं लिटरली गुजरात की टीम पे, तो आपके वैसे डबल हो जाते हैं। जी हाँ, 1xbet पे अगर आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करोगे, आप साइन अप करोगे, बोनस कोड यूज़ करोगे, तो आपको मिलेगा 20,000 तक का कैश बोनस होगा, सॉरी हो कैश बैक नहीं बोनस होगा। उसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रेडिक्शन के ऊपर, है ना। और लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा गाइस, ट्राई कर लेना 1xbet को। एंड बताना आप में से कोई ट्राई करता भी है 1xbet को, नहीं मतलब फिलहाल यहाँ पे जो है ये फाइनली इस फीचर का मैंने यूज़ किया इतने सालों बाद। हील चाहिए थी, अब अंदर आके दे नहीं सकता था, मैं दूसरी तरफ से पुश करने वाला था ना, इसलिए अब देखो कैसे भरते हैं इनको। फिलहाल ऊपर नहीं है बंदे, लेकिन वो बंदा ना भाग जाता है अपने टीममेट को रैप करवाने। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, अभी तुमने हमारे टीममेट को मारा था, अभी हम मारेंगे, तो हम जाते रश कर देते सीधे यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाकई में पहुँचा हुआ था बंदा, देखो आप कैसे भरते हैं, साइकिल से निकला था वैसे ये बंदा, देखो फाइनली मेरे को दिखता है ये बंदा, वो देखो। फाइनली गाइस तीनों को मारा भाई, तीनों को, और वैसे एक को फर्क नॉक कर दिया था बट फिनिश तो तीनों को किया। अब यहाँ पर फिलहाल इन दोनों को मारने के बाद यहाँ पे जो है थोड़ी सी लूट वूट करते हैं। ये वाली टीम तो हो गई थी ख़त्म, एक इनका बच रहा था कहीं, तो देखते हैं उसको कि इधर है कि नहीं वो। और आखिरी बंदा भी गया इनका गाइस, और पूरी की पूरी टीम ख़त्म हो जाती है ये। अब जैसे ये वाली टीम ख़त्म हुई ना, तो जस्ट थोड़ी सी देर के बाद जो है यहाँ से जब हम निकल रहे होते हैं तो एक गाड़ी आती है। हम तो यहाँ से चुपचाप निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ड्रॉप गिरा था तो गाड़ी आती है और हम जैसे फायर हुआ बंदे को देखा तो भाग जाते हैं। अच्छा ये लोग रुकते हैं अपार्टमेंट्स में, हम भी यहाँ पे बैठे हैं, सीधा अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अब स्टे कर लिया था, वहाँ से स्प्रे आ रहा था उनका बहुत गंदा, तो हम वहाँ से गए नहीं, हम वहाँ से निकले दूर से एकदम घूम के जाते हैं। एट द एंड यहाँ पे पहुँच जाते हैं, जब यहाँ पे पहुँचे देखो कैसे भरते हैं इनको एक एक करके। टीमें तो अच्छी खासी थी यहाँ पे, और देखा जाए तो UMP का भी किल फील्ड बहुत अच्छा है यार, लाल कलर का ना लिटरली अच्छा लगता है मेरे को UMP का और M249 का। फिलहाल अंदर एक बंदा है तो देखो उसी से भरते, उसी का थोड़ा अजीब सा है यार, उसी का उतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मिट्टी कलर का है, बट इसका अच्छा है, मतलब UMP का किल फील्ड बहुत अच्छा है गाइस। अब ऊपर बंदे थे तो उनको पेलते हैं, उनको तो पेल दिया था शायद, और यहाँ पे जो बंदे रहते हैं अब इनको मारना था, लेकिन क्या होता कि हम जोन के बाहर थे गाइस, ये लोग तो चुपचाप दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो लेते हैं,
लेकिन हम छूट जाते हैं। अब इसको तो मार दे फारो ने ऊपर से, पता नहीं कहाँ से एंगल लेके, लेकिन ये जो आखिरी बंदा इस बिल्डिंग में था वो चला जाता है जोन के अंदर चुपचाप साइकिल से, और हम वहाँ पे छूट जाते। तो हमने भी उठाई गाड़ी और हम भी चुपचाप निकल गए वहाँ से, क्योंकि जो आपने देखी कि लैम्बो की जो सिडान होती है गाइस वो जो है थोड़ा सा फंस जाती है, उतना अच्छे से वो जहाँ पे गड्ढे होते हैं वहाँ पे अच्छे से चल नहीं पाती है। खैर मैंने अंदर एक नेट फेंक दिया गाइस चलती गाड़ी से। वैसे ऐसा आप कर सकते हो, आपको लग रहा हो कि अंदर बंदे हैं तो आप लास्ट सेकंड नेट सीधा गाड़ी से चलते चलते फेंक सकते हो। पता अब मेरे को लग रहा था यहाँ पे 22-23 बंदे जिंदा है यहाँ पे, छोटे से और आखिरी कंपाउंड था ये सर्कल में, तो यहाँ से निकलना था गाइस क्योंकि यहाँ पे बड़ी ही ज़्यादा टीमें आने वाली थी जस्ट अभी सर्कल बंद होते ही। हम मैंने फारूक को बोला जल्दी बैठ, फ्यूल मैंने फिल किया यहाँ पे, इसको बोला बैठने के लिए, मैंने जो है लैम्बो बनाया और जैसे आया तो अब गलती देखना क्या करी इसने। इतनी लास्ट सर्कल में आप जैसे टीममेट मारने लगा तो मैंने सोचा थोड़ी सी उसकी हेल्प ही कर देते हैं, लाओ चलो, बट वहाँ से जो स्प्रे आया ना गाइस, क्योंकि बंदे लेटे हुए थे यार और इतनी दूर से वो लेटे हुए थे और ऊपर से सपोर्ट कर पाना उनको वो भी जरूरी, क्योंकि आपका टीममेट फायर कर रहा है तो थोड़ा मुश्किल होता है। सो इसलिए जो है वहाँ पे उनके एक ही स्प्रे में हम दोनों ही मारे गए, भागने का मौका नहीं मिला यार। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको यार, जब आप जा रहे हो तो सिर्फ जाओ यार, मतलब ओपन में रुक के वहाँ पे आप नहीं कर सकते। खैर दैट्स इट, यही था वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर देना एंड बाय गाइस।